उम्र 18 साल से कम है और आपका दिल कमजोर है तो इस वीडियो को बिल्कुल ना देखें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सभी भाइयों के चैनल में, जो मतलब बहुत सारे हॉन्टेड व्लॉगर मेरे साथ में है। और आपका भाई मोनू जांगिड, आप सभी भाइयों को और मेरी बहनों को सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ कि यार दोस्तों आपने बहुत ही अच्छा सपोर्ट करा और बहुत अच्छा कोऑपरेट कर रहे हो यार, क्योंकि आपके भाई ने जो आदम को एक पार्ट चल रहा था उसमें काफी मशक्कत करी हमने, उससे कुछ गलत कमेंट की वजह से मैंने वो पार्ट रोक दिए थे और नेक्स्ट पार्ट वापस आपके भाई के डोर ऑफ डेथ चैनल पे आने वाले हैं कल परसों से। तो आप वीडियो पे बने रहिए, कंटिन्यू पार्ट आएंगे तो देखते जाना। और एक स्पेशल चीज बताऊं, आप सोच रहे होंगे कि आज इतने हॉन्टेड व्लॉगर मेरे साथ में क्यों है, तो मैं आप सभी भाइयों को और बहनों को बता दूं कि यार दोस्तों अभी कुछ टाइम पहले एक आदम को और शैतान जो लोकेशन है जिसपे जितेंद्र भैया और काफी बड़े बड़े हॉन्टेड व्लॉगर आके गए और इस जगह में मतलब मुक्ति भी दिला दी गई उस शैतान को, लेकिन पता नहीं कौन सी स्पिरिट है, कौन सी आत्मा है, क्या चीज है वो, कि मतलब वहां से जाने का नाम तक नहीं ले रही है। और आज तक तो कोई क्लियर नहीं कर पाया कि आखिर वहां पे है क्या चीज, क्या अपना कोई हिंदू भाई की कब्र है, वो दफनाया हुआ है या मोमनर भाई, जो भी कुछ है समाधि वगैरह क्या है, कोई क्लियर नहीं कर पाया। लेकिन वहां पे हिंदू रीति रिवाजों के शास्त्रों से, जो हिंदू रीति रिवाज से जो होती है मुक्ति, वो दिलवा के गए। लेकिन वो उसके बाद भी मैं खुद विजिट करके गया, एक्चुअली मैं बोलूं उससे पहले जितेंद्र जी मारोटी आप जानते हैं क्या, एक्चुअली मैं 2 बजे बाद में आया था मैं इस लोकेशन पे, इसलिए जबकि मुझे पता पड़ा फिर ये ब्रह्म मुहूर्त में आए थे, ब्रह्म मुहूर्त में आया था मैं, उस समय कुछ भी नहीं दिखा था मुझे यहाँ पे। मेरे भी कमेंट आए थे कि भैया वापस जाना, तो मैं ये क्लियर करने आया भैया जितेंद्र भैया कुछ भी नहीं दिखा, तो जितेंद्र भैया जो नहीं दिखा था उसका रीजन मैं आपको बता दूं। उस रीजन रहा कि 2 बजे बाद में, उस टाइम में भगवान जाग जाते हैं 2 से 4, 5, 6 बजे, ब्रह्म मुहूर्त हो जाता है, वो जो आरती का टाइम वगैरह होता है हरिद्वार ऋषिकेश में, आपने देखा होगा 4, 3, 4 बजे, इसी वजह से स्पीड आत्मा अपनी जगह वापस लुप्त हो जाती है, ठीक है ना। और इसी वजह से मैं जितेंद्र भैया को, राधे भाई को, सबको लेकर आया हूँ। और दोस्तों एक चीज बताऊँ, जो आप पसीना देख रहे हो उस लोकेशन पे जाने से पहले, कुछ ही दूरी पे लोकेशन है, लेकिन लोकेशन पे जाने से पहले पूरा गीला हो चुका है आपका भाई, पूरी शर्ट गीली हो चुकी है, आवाज आ रही है पीछे से, आवाज आ रही है। और टाइम हो चुका है रात के लगभग 12:15। बाबा साहब को लाने का सबसे बड़ा, क्योंकि बाबा साहब इन चीजों में बहुत अच्छे से जानकार है यार, इनकी भी आज परीक्षा होनी है। और आज मैंने एक चैलेंज करा है कि बाबा साहब यहाँ पे हिंदू की वो जो है समाधि है या मोमनन भाई की अपने कब्र है, तो बाबा साहब ही क्लियर करेंगे। और बाबा साहब को अभी तक कोई पता नहीं है कि वो कौन सी जगह है, बाबा साहब आज इनकी भी परीक्षा है कि ये कैसे है। बिल्कुल, तो दोस्तों ज्यादा देर नहीं करते हैं, कोशिश करूंगा पूरी पता लगा के रहेंगे आज इंशाल्लाह, पूरी बातों को पता लगाएंगे क्या है क्या नहीं है। बिल्कुल, और बाबा साहब देखो आप है ना, आप नाराज मत होना, नहीं नहीं बात नहीं है, आप नाराज मत होना, देखो हम भी है ना, देखो हमारी ऑडियंस के लिए कर रहे हैं। आज आपकी ये परीक्षा होगी कि वो कब्र किसकी है और कहाँ पे, मुझे मेरे इल्म पे पूरा भरोसा है। देखो हमें तो आप पे, हमें तो आप पे फुल भरोसा है, मैं आपको अच्छे से मानता हूँ, अच्छे से जानता भी हूँ, मैं खुद आके गया था, राधे भाई को खुद बोलता हूँ। देखो मेरी तबीयत में आपने बहुत साथ दिया, हाथ अंदर खींचा गया था, मैंने गेट खोला। देखो दोस्तों आपको भी पता होगा, जब मेरे में कुछ ऐसी एक्टिविटी हुई, कुछ चोट वगैरह हुई है, घटना हुई थी, तो बाबा साहब का भी उसमें बहुत बड़ा सहयोग था मुझे सही करने में, ठीक है। मैं आज भी इनको प्रणाम करता हूँ कि यार इन्होंने मेरे लिए दुआएं की, प्रार्थनाएं करी, तब से मैं खुद इनको सैल्यूट करता हूँ कि यार वाकई इनमें वो पावर है, इनमें कुछ ऐसी शक्तियां है, शायद पता नहीं इन्होंने कैसे प्राप्त करी, लेकिन मैं खुद मानता हूँ। अपने 7 चक्र जागृत करना वगैरह, ये अपने हिंदू रीति रिवाजों से ऐसे कुछ 7 चक्र जागृत करते हैं तो उससे कुछ जानकारी हो जाती है, वैसे तो वैसे इनके भी ऐसी चीजें होती है, 40 दिन का चेला लगाना पड़ता है, उसके अंदर पता पड़ जाता है, इसीलिए बाबा साहब बहुत अच्छे से इन चीजों को जानते हैं। ये परीक्षा हम आपके लिए कर रहे हैं भैया, जो भी कैप्चर होगा, जो भी कुछ होगा, आप कमेंट करके बताना। मेरी बहनों के कमेंट थे कि भैया वापस जाना, वापस जाना। मैं नहीं आता दोस्तों किसी के कहने पे भी। देखो सुनो, एक मिनट आवाज सुनो, देखो गुर्राने की आवाज है, वही आवाज है गुर्राने। बाबा साहब मेरे, बाबा साहब को करने का, बाबा साहब पहले तो आप वो चल के चीजें क्लियर करो, यहाँ पे बताएगा इनको यहाँ पे किसकी मौत हुई, क्या हुआ, कैसे हुआ। दोस्तों हमारे साथ में भाई थे अभी, वो मतलब कि एक ब्रदर जो आप सोच रहे हो कि हम 5 ही कैसे हो गए 6 में से, तो यार जो हमारे मनोज जी है ना, उनने ट्राइपॉड पे कैमरा लगाया था, ठीक है, ठीक है। ये देखो मैं आपको दिखा दूं, ब्रदर इधर करना अपने वाले बॉस, ये देखो ये भैया कैमरा चला रहे हैं, ठीक है। तो आप सोचेंगे यार कि एक बंदा कहाँ गया, तो एक बंदा हम बता दे आपको, इन्होंने अपना कैमरा पकड़ रखा है। बाबा साहब ये कुछ मतलब 1 बीघे का समथिंग ये है ना कवरेज, उसी में ये शैतानी आत्मा है 1 बीघे के अंदर अंदर। अब आपको बताना है कि आखिर वो समाधि है या कब्र है। ऐसा क्यों होता है कि जब भी मैं लोकेशन पे आता हूँ ना, तो मैं बेहोश हो जाता हूँ हमेशा यहाँ पे, किसी के साथ कुछ घटना होती है, खतरनाक मामला है इसका, मुझे एहसास हो रहा है, पहले आते मुझे एहसास हो गया था। एक मिनट बाबा साहब को आते जाने दो, बाबा साहब को जाके पहले एक बार लोकेशन तो दिखाए बाबा साहब को, पता है क्या है क्या नहीं है। बाबा साहब ये वो ऑफिस है, अच्छा यहाँ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और कौन सी जगह क्या क्या है,
तो हम चाहते हैं कि आप हमारी ऑडियंस को बताओ। बाबा साहब मेरी तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी वापस यहाँ आने की, क्योंकि मेरा हाथ खुद का खींचा गया था, इसलिए मेरे को बिल्कुल कंफर्म हो गया था यहाँ पे कोई चीज है। आप लोग बिना पता लगाए आगे बिल्कुल क्या है क्या नहीं उसका एहसास तो मुझे हो चुका है, अभी मुझे पता लग रहा है। लेकिन कन्फर्म भी जगह मैं आपको बताऊंगा अभी क्या क्या किस जगह क्या है घटित। तो बाबा साहब सबसे पहले एक चीज बता दूं मैं आपको। जी हाँ जी, कि ये लोकेशन हॉन्टेड है या जो भी कोई शेता कुछ आवाज आई। हाँ आवाज तो आवाज आ रही है बाबा साहब। हाँ कि मतलब ये तो मैं कन्फर्म कर सकता हूँ और करी है मैंने यहाँ पे आके, और वापस आने का रीजन मेरे जो मेरे परिवार है यूट्यूब परिवार उनकी वजह से ही मैं यहाँ पहुंचा हूँ वापस। उन्होंने बोला कि वापस विजिट करो वापस विजिट करो। तो आपको ये चीज क्लियर करनी है, ये तो मैं बता दूं कि ये हॉन्टेड है या स्पिरिट आत्मा जो भी कोई शैतान है। अब आपको क्लियर करनी है वो आखिर जो यहाँ पे समाधि है या कब्र है वो हिंदू भाई की या मोमन भाई की जो भी है वो आप खुद बताओगे कौन सी जगह पे है। हम सब एक तरफ हो रहे हैं और आप सब एक तरफ हो जाओ। एक बार आप ऐसे करो, सुनो सुनो, एक बार हम सब चल के इनको विजिट करवा देते हैं जगह ये ऑफिस, ठीक है? उसके बाद बाहर आ जाएंगे फिर इनकी परीक्षा लेते हैं कि यार यहाँ पे वो जो भी चीज है उसका क्या है क्या नहीं है, ठीक है? ये वो ऑफिस है बाबा साहब, ठीक है? और यहाँ पे सरकारी कर्मचारियों की मौत हुई थी, ठीक है? उसके बाद ये बंद है और अभी जो यहाँ पे कुछ हो रहा है तो बताना है आपको जो हो रहा है किस वजह से हो रहा है, ठीक है? ठीक है बाबा साहब। और एक रूम इसके ऊपर बना हुआ है। अब देखो अपन चलते हैं बाहर और हम रहते हैं साइड में, और अब आपको ये चीज क्लियर करनी है जो हमने बताया था। जल्दी बाहर निकलो यहाँ से, जल्दी बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर जल्दी बाहर निकलो, बाहर चलो, आओ बहुत खतरनाक खतरा है, चलो बाहर निकलो थोड़ा। अब हम सब एक साइड में रहेंगे और बाबा साहब यहाँ कुछ हमें बता के फिर वो कुछ अपने हिसाब से देखेंगे कि यहाँ पे किस चीज का क्या है। बाबा साहब हम बाहर की तरफ है, ठीक है? उनके पास कोई नहीं जाएगा, उनके पास है पावर, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा वो, उनका ख्याल वो रख सकते हैं, ठीक है? बाबा साहब थोड़ी सेफ्टी रखनी। हाँ सेफ्टी मेरे पास डबल डबल, आप बेफिक्र रहो, घबराओ नहीं। आपको ये बताना है यहाँ पे क्या चीज है बस सबसे पहले तो, ठीक है? यहाँ मैंने पता लगा लिया जो भी कुछ चीज है यहाँ मुझे पता पड़ गया। बाबा साहब पहले आप यहाँ का क्लियर करो कि यार क्या चीज है। आप सर्च करके बताओगे यहाँ पे क्या है? बिल्कुल मैं बताता हूँ, ठीक है? आप आपका जो भी कर रहे हो पीछे हो जाओ भाई, पीछे जाओ, पीछे हो, पीछे हो जाओ, सब सब पीछे इस तरफ आ जाओ, इस तरफ लिया सब कैमरे अपोजिट साइड आ जाओ, सब बिल्डिंग की तरफ का कैमरा नहीं रखेगा, इस तरफ पीछे आ जाओ, इस तरफ इस तरफ हो, इस तरफ आ जाओ, कैमरा सब उधर बाबा साहब की तरफ रखेंगे कैमरा, इनको कैप्चर करना है। जहां तक हो उस बिल्डिंग से लेके इसके अंदर अंदर मामला है भाई, पीछे रहो भाई, पीछे रहो, पीछे रहो यार, इधर हो जाओ ना एक तरफ दोस्तों, पीछे रहो, पीछे रहो दोस्तों। एक चीज बता दी यार, मेरे पास भी मेरे गुंडे की तो पता नहीं क्या होने वाला है, तुम्हारा माला किसके पास माला है क्या? नहीं नहीं के लिए बोल रहे हैं, है किसी पास माला के पीछे? हां बंद करो वहां बैठ के लिए, बंद कर इसको, बंद कर, बंद करो घुमात, बंद कर इस माला को, राधे भैया बंद करो, उनको कैसे पता चला मेरे पास माला, बंद करो। हां बाबा सब कर दिया, पता नहीं वो कुछ ध्यान कर रहे हैं। क्या बाबा साहब आगे नहीं, आगे नहीं, आगे नहीं, आगे पीछे पीछे पीछे, बाबा साहब क्या हुआ? रुको तुम पीछे हटो, दूर रहो, बिल्कुल दूर रहो, मैं सब संभाल लूंगा। कौन है? एहसास है मुझे, एलन से पूछेंगे अपन उस बारे में, ठीक है? तो इंटरव्यू करेंगे क्या? सुल्तान
और इनको मेरे माला के बारे में कैसे पता पड़ा? ध्यान कर रहे, ध्यान भाई ऐसा है। हाँ बाबा साहब, क्या पूछ रहे हो तुम, जल्दी पूछो। पहले तो ये बताओ, सबसे पहले मेरा ये सवाल है, ये मेरी माला थी ठीक है, आपको कैसे पता कि मैं ये यूज कर रहा हूँ? देखो बताने वाला वो परवरदिगार है मुझे। अच्छा, कौन किसके पास क्या, मैं सब बता सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है। ये माला मेरी मतलब फर्जी है या कुछ है? नहीं नहीं, ये माला में कुछ ताकत है, आपने कुछ साथ में करी हुई चीज है ये, है ना, और तुम्हारी किसी बुजुर्ग की चीज है, बताओ तुम है कि नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल है। दोस्तों देखो, आपको इस माला के बारे में स्पेशली पता है, ये वही माला है ठीक है। सवाल कि ये जो बिल्डिंग है ना, ये यहाँ पे कोई दो मौलाना थे। अच्छा, तो मौलाना किसी कारण से एक्सपायर हो चुकी है, वो मर गया मतलब। अच्छा। तो एक की कबर तो उस कमरे के अंदर है। कमरे में? कमरे के अंदर। रुको, अभी नहीं, अभी कुछ नहीं बताएंगे, पहले इनको पूरा खत्म करने। और एक की कबर ये रही, अभी वो झटका लगा ना मुझे। हाँ। बस ये दो कबर है। बस आप एक मौका और दे रहा हूँ आपको, एक बार और आप चाहो ना तो पता कर लो, पता कर लो। एक बात आपकी सही निकली कि दो कबर है, जगह जो आप बता रहे हो वो गलत है, आप बताओ। नहीं जगह गलत नहीं है, एक तो कमरे के अंदर है, 100% मेरी गारंटी है, मेरा वादा है। गलत जगह बता रहे हो बाबा? नहीं गलत नहीं बता रहे, आप मुझे यकीन है इस बात का, आप किसी से पूछ लो। और वो एक ब्लॉगर भी आया था यहाँ पे, उसने हिंदी रीति रिवाज से उसको मुक्ति दिलाई, लेकिन मुक्ति नहीं हुई उसकी, कारण क्या था? मुस्लिम है। अच्छा, वो मुस्लिम, मुझे क्या पता, मैं तो पहली बार आया हूँ, मुझे आप लेके आयो, वो था मुस्लिम, उसकी मुक्ति नहीं, उसकी मुस्लिम ही मुक्ति करवाएगा। तो वो खतरनाक आत्मा, उसकी जो जो ताकत बढ़ती जा रही है, उसकी खतरनाक ज्यादा हो जा रही है। एक यहाँ पे इसके अंदर साथ क्या होता है? हाँ यहाँ पे एक मौलाना, ये दोनों मौलाना बहुत खतरनाक पढ़े लिखे थे। अच्छा। अब इनकी मौत होगी तो अब क्या है कि जितने लोग आके जा रहे हैं तो भड़क रहे हैं, वो तो वीडियो बनाने लगे, ये भड़क रहे हैं, कोई आत्मा मुक्ति करा रहा तो मुक्ति नहीं हो रही, क्योंकि मुसलमान की मुक्ति मुसलमान ही कराएगा। उन्होंने शायद कोई चूक रही हो, बहुत भयंकर चूक रही है, जिससे आप सही कह रहे हो। एक कब्र आप अंदर बता रहे हो? हाँ, एक कब्र कमरे के अंदर है और एक कब्र ये बता रहे हो। यार दोस्तों देखो, यहाँ पे तो बाबा साहब को मैं फिर से सैल्यूट करता हूँ कि यार इन्होंने, मैं बिल्कुल चरण स्पर्श करता हूँ बाबा साहब के, चरण स्पर्श करता हूँ कि एक चीज आपको क्लियर कर दूँ, बिल्कुल कि दोस्तों वाकई मेरा दावा है, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर हॉन्टेड ब्लॉगर आके गए, जिन्होंने मतलब क्लियर कराया कि ये कब्र है, कब्र है, बहुत सारे जन तांत्रिक है, बिल्कुल जाएगी वीडियो भी। दोस्तों आपको बिना ज्यादा लंबी खींचे वीडियो को, बाबा साहब एक बार रूम के अंदर चलना चाहते हैं अपन। अब मैं आपको एग्जैक्ट, आप पहले वो दोस्तों जो बाबा साहब ने मतलब अपनी सिद्धि के द्वारा, अपनी साधनाओं के द्वारा जो चीज क्लियर करी है कि ये वो एक जो मतलब उनकी वो बताई जा रही कब्र, ये कब्र है, काफी हॉन्टेड लोगों ने बताई होगी आपको वीडियो में, दो कब्र है वो जो है ना, इस रूम में बाबा साहब कब्र बता रहे हैं एग्जैक्ट किस जगह जो हॉल है ना। देखो बाबा साहब के पास सेफ्टी है, आप लोगों के पास बिल्कुल 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 केवल एक आदमी है, कौन आना चाहता है मेरे साथ? मनुभिया चल जाओ, मनुभिया हिम्मत वाला कोई आदमी, मनुभिया चलो चंद्र भैया माना है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो बहुत सारी सेफ्टी मेरे को, दो छोटी सी तीनों आ जाओ आप ठीक है, मुझे आगे पीछे रहना दोस्तों, आओ इनके पीछे रहेंगे ठीक है, इनके आगे नहीं, आओ आप आगे आओ, आगे धीरे आगे आओ, धीरे नहीं आ जाओ, इनको सबको इधर करो, इधर आ जाओ पीछे बाबा साहब। हां हम लोग कैमरा मैन के साथ साइड में कर रहे हैं, सब साइड में लो, एक तरफ उधर चले जाओ, उधर चले जाओ भाई, इधर चले, गारंटी मेरा चैलेंज है, आज को फेल कर दे इसको, तो आप वहां पर नहीं, आप वहां के जिनके पास टेप भी नहीं है ना, वो बाबा साहब दिख नहीं रहे हैं, दूर रहो भाई, पीछे रहना, जिनके भी आप पीछे रहना, पीछे रहो आगे दे मैंने कहा था कि बिना माला के कोई ज्यादा बाबा के पास नहीं जाएगा, अपन तीन जने थे केवल, आगे तुझे हम आगे नहीं जाना था, इस बच्चे की जान बचा ली, इसको पता नहीं था मेरे मोरा, को पता नहीं था, माफ फरमा इसको बाबा, ऊपर आ चुका है, किसी की नहीं है ताकत, किसी की नहीं है तेरे अलावा किसी में, वो चीज एक्टिव हो रखी है बाबा, बहुत खतरनाक चीज है वो बाबा साहब, ठीक हो जाएगा ना ये? हाँ हो जाएगा, इसको है ना हॉस्पिटल पहुंचो, हैं हॉस्पिटल पहुंचो,
ऐसे कम्प्लेट घाव थोड़ा ज्यादा हो गया इसलिए उसमें पहुंचा, बाकी तो ये उसमें हो जाएगा भैया अपने पास, क्योंकि भैया उसमें भैया उसमें भैया भैया चीज आ गई।